हुकूमत ने जो अवाम के साथ वादे किए थे, आखिरकार हुकूमत ने उन तमाम वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, उन तमाम गरीब खानदानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जो खानदान हुकूमत की तरफ से BASP प्रोग्राम के जरिए पहले पेमेंट ले रहे थे, या फिर वो खानदान जिन खानदानों को BASP प्रोग्राम के जरिए अभी तक एक रुपए भी इमदाद नहीं मिली है, लेकिन वो इस इमदाद के लिए एलिजिबल है, आखिल है, वो इस इमदाद के लिए काबिल है, लेकिन उनको हुकूमत की तरफ से बगैर किसी वजह से नाइल कर दिया था, उन तमाम गरीब खानदानों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो खानदान पहले BASP प्रोग्राम के जरिए पेमेंट वसूल कर रहे थे, उन तमाम खानदानों को भी हुकूमत की तरफ से कुछ नए प्रोग्राम से बड़ी इमदादें तकसीम करने का बहुत बड़ा अहम फैसला कर दिया। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप हुकूमत की तरफ से इमदाद हासिल करना चाहते हैं, तो आज की शॉर्ट सी वीडियो को आपने मुकम्मल लाजमी तौर पर देख लेना है। और अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके हैं तो नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट कर दें। इससे ये फायदा होता है जो भी नई वीडियोस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और बर वक्त पहुंचता रहेगा, और जैसे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फौरी तौर पर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद सबसे पहले अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको हुकूमत की तरफ से इमदाद मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि हुकूमत की तरफ से कौन से नए प्रोग्राम आए हैं, और जो पहले हुकूमत की तरफ से जिन खानदानों को BASP से पेमेंट नहीं मिली है उन लोगों के लिए क्या ऐसी अपडेट है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो बात करने वाली है वो BASP प्रोग्राम के रिलेटेड है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से उन तमाम खानदानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। इसी नवंबर के महीने में तमाम खानदानों को, जिन खानदानों को बगैर किसी वजह से नाइल किया गया था, उन तमाम खानदानों को हुकूमत की तरफ से दोबारा फिर आहिल करने का फैसला कर दिया है। जस्ट आपके पास एक अदद शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए, शिनाख्ती कार्ड लेकर किसी भी करीबी BASP दफ्तर में चले जाए, वहां पर जाकर आप दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके आप दोबारा फिर अपने नाम को आहिल करवा सकते हैं, क्योंकि हुकूमत का ये टारगेट है कि आपको अगली जो किस्त है वो आपको लाजमी तौर पर मिले, क्योंकि हुकूमत को भी लगता है कि ये जो इमदादें तकसीम हो रही है, ये जो इमदादें लोग ले रहे हैं, ये इस इमदाद के लिए एलिजिबल नहीं है। जो एलिजिबल नहीं होंगे उन तमाम लोगों को छांटी प्रोग्राम के जरिए निकाल दिया जाएगा और नए लोगों को नए प्रोग्राम में दोबारा फिर आहिल कर दिया जाएगा। अब बात आती है, काफी ऐसे भी लोग हैं, काफी ऐसे भी खानदान हैं जो खानदान नए सिरे से नए प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत की तरफ से एक जानवर पाल प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिस प्रोग्राम के जरिए आपको तमाम लोगों को ज्यादा नहीं कम काफी बड़ा कर्जा दिए जा रहा है हुकूमत। जी हाँ, 1,60,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक का आपको हुकूमत की तरफ से कर्जा दिया जा रहा है, जिस कर्जे को आप वसूल करके आप अपने घर के लिए जानवर ले सकते हैं, और इस कर्ज का आपको कोई भी सूद नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 4 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। 4 महीने के अंदर अंदर आपने इन कर्जों का इस्तेमाल करके यहां से पैसा निकाल लेना है, और जो भी प्रॉफिट होगी वो आप अपने पास रखें, और जो आपकी मौजूदा रकम जो आपको हुकूमत की तरफ से दी जाएगी वो आपको 5वें महीने में वापस अदा करनी पड़ेगी। ये उन खानदानों के लिए मैं कह रहा हूं जो खानदान BASP प्रोग्राम के जरिए या फिर किसी दीगर नए प्रोग्राम से इमदाद लेना चाहते हैं, तो ये लाजमी तौर पर इमदाद लें और अपने घर पर जानवर रखें और यहां से आप पैसा कमाएं। वस्सलाम।